थैंक यू। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ और सुबह से ना मैं आपको बताता हूँ कि मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई। असल में मैंने कुछ दिनों पहले बोला था मम्मी को कि हम सेंट्रियो जो नया पर देहरादून में नया मॉल खुला है वहाँ चलते हैं, और मम्मी ना आज घुमा के लेके ही। और दूसरी बात ये है कि मम्मी का जो फ़ोन है ना उसमें मतलब जैसे हम कॉल करते हैं तो उसमें ना आवाज़ नहीं आ रही, वैसे आ रही स्पीकर पर डालने के बाद। अभी हम वो भी ठीक कराएंगे और मम्मी के आयुष्मान कार्ड के वोटर आई डी कार्ड के काम से भी जा रहे और सेंट्रियो मॉल भी जाएंगे, तो अभी देख लेना यार कहाँ कहाँ जा रहे, तो अभी चलते हैं। ठीक है, आपसे आगे मिलता हूँ। कार्य प्रगति पर है। जय श्री राम, जय श्री राम। OTP है भैया 089 195। हाँ जी गाइस, तो अभी आज फाइनली काम हो ही जाएगा, अभी कार्य प्रगति पर है। इतने दिन से यार मैं भैया को बोल भी रहा था, वो ऐसे ही कर रहे थे, मतलब आज ये ला दो आज वो ला दो, और कुछ हम ला भी नहीं रहे थे। एक तो ना यार यहाँ सीधा नीचे इसके यहाँ पे मतलब इसके ठीक नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ है सब समोसा जलेबी की दुकान, और यहाँ से खुशबू आ रही है, मन तो कर रहा है खा लूँ। और ऊपर से घर से कोल्ड ड्रिंक और पी आया है, मैं प्यास बहुत लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पी के प्यास लगती है। तो अभी कार्य प्रगति पर है, उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर मिलते हैं। फाइनली गाइस आज काम हो चुका है और ये देखो बोलो सुबह की। हाँ जी, तो अभी आ चुके थे घर और पानी पी करके अपने होठ कर लिए गीले, क्योंकि घर इसलिए आ गए थे वो क्या नाम है उसका बिजली का बिल वगैरह रखने, क्योंकि हवाबाजी भी करनी होती है थोड़ी सी, कहीं खो खा ना जाए ना। और थैंक यू। ब्लॉग women. पहुँच लिए सेंट्रियो मॉल, और आपको इतना भी बता देता हूँ कि इधर जो है यहाँ पे फ्री पार्किंग होती है, और अगर आप उधर उस साइड लगवाओगे तो 30 रुपये लगते हैं पार्किंग के, इतना भी बताना मेरा फर्ज बनता है। और रास्ता वगैरह सब दिखा दिया जो अभी तक आए नहीं है, तो अभी अंदर चलते हैं फिर मॉल देते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारे लोगों को इतना भी नहीं पता कि भैया यहाँ पे वो भी है, क्या नाम है यहाँ पे स्टारबक्स खुल रखा, बताओ। ये रहा सामने तुम्हारा स्टारबक्स। यहाँ पे मम्मी की फोटो खींचता हूँ मम्मी को।
देखो जी आ गया है टाइम जोन, और मैंने सुना था कि यार देहरादून का टाइम जोन मतलब थोड़ा सा फेमस है, तो क्या पता भाई होगा। ये ले लूं अपने लिए? धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ले लूं। हाँ यार खैर शीशे में क्या देख रहा हूँ मैं, स्मार्ट तो मैं हुई, मतलब की चीज तो ये है। अबे साले गाइस अभी पिज्जा वगैरह खा के निकल लिए, पिज्जा वगैरह की मैंने शूट नहीं करी वीडियो, कि क्या वीडियो शूट करूंगा मैं यार, पिज्जा खा रहा हूँ भाई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ मतलब नीचे जा रहा हूँ और आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ, मतलब चारों फ्लोर घुमा देता हूँ, फिर कहीं ऐसा ना हो ना कि मॉल में आ गए ऐसे ही मतलब गेड़ी मार के चले। गेड़ी मारने भी मेरा मेन मकसद ही यहाँ पे आना था, जो मतलब वो इसलिए था कि ब्लॉग बनाने आ रहे हैं जी। ये देख लीजिए गाइस, ये है ग्राउंड फ्लोर, मतलब जहाँ से आपकी एंट्री होती है सामने से, और यहाँ से आप लिफ्ट से ऊपर आते हैं जहाँ पे मैं आया था, और सामने मार्क्स एंड स्पेंसर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर, और सेकंड फ्लोर देखो सामने है, तो अभी ऊपर चलते हैं सेकंड फ्लोर। ये राजी शॉप, शॉप वही है ना, अच्छा शॉपर शॉप सॉरी। ये है आपका सेकेंड फ्लोर, यहाँ पे मीना बाज़ार वगैरह है और बहुत सी अलग अलग चीज़ें। अब सारी चीज़ें दिखाने लग जाऊँगा तो भाई आधा घंटा हो जाएगा। ये देख लीजिए, और ये है आपका थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर में है आपका टाइम जोन, मतलब गेम्स वगैरह का है, और उधर जाके आपका कॉफ़ी वगैरह का है। और फोर्थ फ्लोर सामने वो दिख रही है लिफ्ट, वहाँ पे फोर्थ फ्लोर में है फूड कोर्ट। तो यही सब है यहाँ पर, फूड कोर्ट क्या दिखाऊँ, जहाँ से अभी हम पिज्ज़ा खा के आए। तो ये देख लो, ये लिफ्ट है और वो सामने फूड कोर्ट यानी कि फोर्थ फ्लोर। एक कैपेचिनो और करवा ली, कॉफी पी के ही चलेंगे घर। कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, मैं तो पता नहीं यार कॉफी क्यों पीली, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ये नहीं समझ में आ रहा। तो अब सीधा घर चलते हैं ना। ये देखिए गाइस, ये है मेन राजपुर रोड, और ये सामने लोटस लगा हुआ ना भाई, ये जो इसके चारों तरफ दीवार नहीं बनी हुई, उधर साइड की जो दीवार है ना, मैं उधर जा नहीं रहा क्योंकि सामने भाई पुलिस वाले खड़े हुए, वहाँ ना वो पूरी टूटी हुई लगा लो, एक्सीडेंट हुआ था बहुत खतरनाक। मैं वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देखना भाई, मैं उधर इसलिए जा रहा, पुलिस वाले बोलेंगे कि बेटा बहुत खुशी की बात है जो आप यहाँ पे आके वीडियो बना रहे हो। ये वाली जो देखो जिसका एक्सीडेंट हो रखा था ना, वो ये वाली यहाँ खड़ी हुई कार है, ये वाली।